झारखंड मंत्रालय में बुधवार की शाम एक बैठक ने सूबे का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। कहने को तो ये बैठक कोरोना काल से उबरते हुए प्रदेश में विकास की गाड़ी को तेज करने वाली रही, लेकिन हकीकत में ये भविष्य की राजनीतिक दिशा और उपचुनाव के नतीजों से प्रभावित दिखती है। बुधवार शाम हेमंत सोरेन की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक ने सूबे का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। बैठक के बाद कोरोना काल से उबरते हुए प्रदेश में विकास को रफ्तार देने की बात हर किसी ने दोहराई। ये सच है कि कोरोना काल में धीमे पड़े विकास को गति देने की जरूरत है, खासकर तब जब विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर हो और सामने दो सीटों पर होने वाला उपचुनाव है। पहले से हम लोग का दिया हुआ था, समय लिए हुए देखे, समय बुला दिया गया विभाग का अपना, जिससे कल हमारे पास हुआ 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की ताजपोशी के 3 महीने बाद कोरोना ने एंट्री ली। तब से लेकर अब तक राज्य सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान आम दिनों की तरह विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई कभी नजर नहीं आई। आज भले ही संक्रमण का कहर परवान पर है, फिर भी राज्य सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। गठबंधन दलों के चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए विभागवार मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, और बहुत जल्द जो भी वादे हमने राज्य की जनता से किए हैं उन सारे वादों को हम पूरी तरह से जनता के बीच हम पूरा करेंगे, धरातल पर उन वादों को उतारेंगे और उसकी तैयारी चल रही है, और बहुत जल्द हमारा राज्य विकास की पटरी पर दौड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के दूसरे साथियों के साथ भविष्य की राजनीति और विकास की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के केंद्र बिंदु में प्रदेश में दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव का गुणा भाग भी शामिल रहा। गठबंधन सरकार ने इन दोनों ही सीटों पर जीत का अंक गणित तैयार कर लिया है, ताकि कहीं से कोई कमी न रह जाए। वैसे मुख्यमंत्री मीडिया के सवाल पर बचते और मुस्कुराते नजर आए। निर्देश आया है उसको हम लोग देखेंगे, उसका आकलन होगा, उसके उपरांत हम आपको निर्णय बता सकते हैं कि सरकार क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, अब देखेंगे आप। दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। राजनीति में दावे होने भी चाहिए, क्योंकि दावों की राजनीति से ही चुनावी समर में रंगत नजर आती है। जीतना तो उसी का तय है जो सामाजिक राजनीतिक समीकरण के साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी को चुनावी मैदान में पटखनी देने की हिम्मत रखता हो। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।